नमस्कार, इस वीडियो में हम चेहरे पर होने वाले मस्से को ठीक करने की होम्योपैथिक दवा के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। मानव शरीर में कहीं पर भी मस्सा होता है तो वह एक वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह वायरस जब शरीर पर हमला करता है तो ज़्यादातर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है शरीर पर, लेकिन अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो शरीर पर मस्सा हो जाता है। यह वायरस शरीर के जिस हिस्से पर हमला करता है वहाँ पर मस्सा हो जाता है। यह वायरस त्वचा की कोशिकाओं को बढ़ाता है जिससे त्वचा की अलग परत निकलने लगती है और उसे ही मस्सा कहा जाता है। मस्से के कई प्रकार हैं, उसे भी समझ लेते हैं। फ्लैट वार्ट्स, यह एक प्रकार का मस्सा है जो त्वचा से चिपका होता है और यह ज़्यादातर गालों और माथे पर होता है। यह स्किन रंग से गहरे रंग का होता है। सर्किल वार्ट्स, गोल मस्से होते हैं। यह चेहरे की त्वचा के रंग के ही होते हैं और इनका आकार बड़ा होता है। स्मॉल वार्ट्स, यह बहुत छोटे मस्से होते हैं। यह त्वचा के रंग के ही होते हैं और इनकी संख्या काफ़ी होती है। एक ही स्थान पर यह मस्से हो जाते हैं। ब्लैक वार्ट्स, काले रंग के बड़े और गोल मस्से होते हैं। यह भी चेहरे पर ही अधिक होते हैं। आई वार्ट्स, आँखों की पलकों पर होने वाला छोटा सा मस्सा होता है। मिक्स वार्ट में लगभग हर प्रकार के मस्से चेहरे पर होते हैं और यह मस्से खास तौर पर दाढ़ी वाले हिस्से पे हो जाते हैं। अब मस्सों के लिए होम्योपैथिक दवा को देखते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है थूजा, जो कि 200 पोटेंसी में हमें लेनी है। यह दवाई मस्सों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे मस्से बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसके लगातार सेवन से मस्से बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। इसकी दो दो बूंद दिन में दो बार पीना है, एक बार सुबह और एक बार रात में सोते समय डायरेक्ट जीभ पर टपका लिया करें। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी, यह दवाई मस्सों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खास तौर पर चेहरे पर होने वाले मस्सों को यह बहुत जल्दी ठीक करती है। मस्से किसी भी प्रकार के हों, यह दवाई लाभदायक है। खास तौर पर जो मस्से चेहरे के बाहर लटके हुए हैं उनको अलग करने के लिए यह दवा बहुत लाभ देता है। इसका सेवन भी दिन में दो बार दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर टपकाना है। तीसरी दवा है एसिड नाइट्रिकम 200 पोटेंसी। यह दवाई चेहरों के मस्सों को ठीक करने के लिए कारगर है। अगर आपके चेहरे पर मस्से होते हैं और उसमें हल्की चुभन खुजली भी होती है, साथ ही यदि ऊपर के दवाइयों से मस्से ठीक नहीं हो रहे हैं तो यह दवाई को आप एक बार जरूर लें ताकि मस्से पूरी तरह निकल जाएं। इसकी दो बूंद दोपहर में इस्तेमाल करनी है कॉस्टिकम के साथ, अर्थात सुबह और रात में कॉस्टिकम पीना है और एसिड नाइट्रिकम दोपहर में आपको लेना है। मेडोराइनम 1M पोटेंसी, 1M पोटेंसी का यह अर्थ है 1000 CH। अगर अन्य दवाइयों से मस्से नहीं झड़ रहे हैं तो यह दवाई बहुत ही फायदेमंद है। इसको सप्ताह में केवल एक दिन लेना है। इसकी दो बूंद हर रविवार को ले लिया करें। जिस दिन इस दवा का सेवन करें दूसरी कोई दवा न लें। अगले दिन से पहले बताया गया अन्य दवाएँ जैसे बताया है उसी प्रकार से सेवन करें। टोपी थूजा क्रीम, यह क्रीम आपको मस्सों पर लगाना है। यह दवाई बहुत ही असरदार है मस्सों के लिए। इसे दिन में तीन बार लगाना है। इसे लगाने के लिए चेहरे को पहले अच्छे से धो लें, फिर इसे मस्सों पर अच्छे से लगा लें। साथ ही ऊपर की सभी दवाइयां भी पीते रहें। एक से दो महीने में मस्से ठीक हो जाएंगे। इन सभी का सेवन लगातार करें, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। दो दवाइयों के बीच 15 मिनट का अंतर जरूर दें। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी हो तो वीडियो के अंत में बताए गए मोबाइल नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे मिल जाएगा। अगर आपको समझने में किसी तरह की परेशानी है या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पुराना रोग है जो ठीक नहीं हो रहा तो आप कमेंट में उस रोग के बारे में बताएं। अगली वीडियो में उस रोग की होम्योपैथिक दवा के बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।